अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिलसिला वसल सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम में आज हम लोग एक और दुरूद पाक के बारे में जानेंगे। दुरूद कबीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये दुरूद पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कबीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया था, खुद ही अब उसको बोला था कि ये दुरूद पाक का आप जो है हर वक़्त इस दुरूद पाक का वित करते रहें। रिवायत ये बता रहे हैं, बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। दुरूद पाक वो ज़रिया है, वो अमल है, वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए इंसान सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाता है। वो शख्स जो खुलूस दिल से, रज़ा से, सही ख्याल से, सही नीयत से दुरूद पाक का वर्द करता है सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजता है, वो शख्स जो है सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्ट हो जाता है, इन कंटेक्ट हो जाता है, उसका वसल रब्त रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाता है, कायम हो जाता है। और जिस शख्स का रब्त सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम हो गया, इसका मतलब ये है कि वो शख्स अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वो शख्स जो है अपनी मेराज तक पहुंच गया। वो शख्स उस मकाम तक पहुंच गया, उस मकसद तक पहुंच गया जिसके लिए उसको इस दुनिया में भेजा गया था। और इस ज़ाहिरी दुनिया से जब वो नकल मकानी कर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा आलम बरज़ख में, उधर जब ये सवाल नकीर मुनकर पूछेंगे कि आपका नबी कौन था, आपका रसूल कौन था, तो वो शख्स जिसने खुलूस दिल से इस दुनिया में ज़ाहिरी ज़िंदगी में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा है, तो वो शख्स ज़रूर उस सवाल का जवाब एक अच्छे अंदाज में दे सकता है उस दुनिया में। तो इसके अलावा दुरूद पाक का वर्द करने से इंसान को रहमतुल आलमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पाक नसीब होती है। ख्वाब में अल्लाह पाक उसको ज़ियारत पाक करा देते हैं सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये बहुत बड़ी अता है एक आम इंसान के लिए। इसके अलावा इस दुनिया में बाकी राज जो रूहानी बातिनी राज अल्लाह पाक अता करता है, बहुत सारे राज उसको अता करते हैं अल्लाह पाक रूहानी, उनमें से एक ये है कि उसको कोई भी शख्स उसके आसपास आ जाएगा, उसको अल्लाह पाक इतना इल्हाम करा देते हैं कि ये शख्स जो है सोच क्या रहा है, इस ये शख्स क्या करके आया है, और यूँ उस बंदे को इतना अल्लाह पाक इल्म अता फरमाते हैं, उसको इतना अल्लाह पाक इल्म के मनाजिल तय करा देते हैं कि उसको अपनी हकीकत का इल्म अल्लाह पाक अता करते हैं। वो शख्स इस इरफान तक पहुंच जाता है कि मैं कौन हूँ, ये कायनात क्या है, इसकी हकीकत क्या है, पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, ये सारे राजों उस पर अल्लाह पाक आशना करते हैं।
तो इतनी बड़ी बड़ी अताएँ दुरूद पाक का वर्द करने से मिल जाती हैं। दुरूद कबीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसका वर्द जो है तहज्जुद के वक्त बेहतरीन है, फजर नमाज के बाद भी बेहतरीन है, हर नमाज के बाद 21 मरतबा भी इस दुरूद पाक का वर्द आप कर सकते हैं, और इशा की नमाज के बाद खुसूसन इस दुरूद पाक का वर्द करें तो अफजल होगा हर शख्स के लिए। इसके लिए ये दुरूद पाक आलम बरज़ख की ज़िंदगी के लिए बहुत इसके फवाद बयान किए गए हैं कि इस दुनिया के बाद ज़ाहरी ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी आएगी उसमें इसके फवाद बहुत हैं, बयान की गई हैं कि मतलब जो ये आम हम लोग सुनते हैं जन्नत, ये इस किस्म के फवाद का ज़िक्र बहुत किया गया है, और हिसाब का अशर के मैदान में आसानी का भी बहुत इसमें भी ज़िक्र इसका बहुत फ़वाद में आया है। तो दुरूद पाक का वर्द करें इसका, और दुरूद कबीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला آل سيدنا محمد وحدني من عندك وأفز علي من فضلك وأنشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واهدني من عندك وأفز على علي من فضلك وأنشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وحدنی من عندک وافز علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ یہ درود کبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ روایت میں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کو خود ہی حضرت کبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، باقی واللہ عالم۔ تو اس درود پاک کا ورد کریں، بلکہ جو بھی درود پاک ہے نیک نیتی سے خلوص دل سے درود پاک کا ورد کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، کیونکہ اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارے لیے، کوئی بھی نقصان نہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے راز۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔